ही तो लगाया, तो ड्राइव में आर लगाया, प्ले में लगाया, सिंग में लगाओ, डांस में लगाओ, स्पीक, लिसन, गो, तो गोर, कम, तो कमर, ये वो कमर नहीं है, कमर ना वो नहीं, जो आए वो कमर, जो जाए वो गोर। इसलिए आपने शब्द सुने होंगे स्कूल गोर, कॉलेज गोर, जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस गोर, हो सकता है आप भी कोई ना कोई गोर हो। तो ठीक ऐसे ही जो कुछ भी करे, कोई से भी काम करे, काम का मतलब करना, और जो काम करे डू, उसमें अर लगा दिया तो क्या बन गया, इसलिए हम और आप डूअर हैं। डूअर क्या करेगा, एक्शन, क्या करेगा, तो जरा चेक करो क्या अभी इस समय इस वक्त में कुछ ऐसा है आसपास जो आपके द्वारा हो रहा हो, आपके द्वारा इस समय कोई ऐसा मूवमेंट हो रहा हो जो आप मुझे बता पाए क्या हो रहा है। सिट, और क्या हो रहा है, लिसन, ठीक है। ये जो डूअर है ना, इंग्लिश में ये सात होते हैं, मतलब सेवन, कैसे होते हैं, सेवन होते हैं। जहां पर एक व्यक्ति अपनी बात करे, स्वयं की बात करे, तो कहेगा आए, भाई मैं खुद अपनी बात जब करूंगा और अपने द्वारा किए हुए काम मतलब एक्शन की चर्चा करूंगा तो इंग्लिश में क्या लगाऊंगा, आए। अब आए अकेला तो बोलेगा नहीं, किसी ना किसी से बात करेगा, तो वो जिससे भी बात करेगा उसे हिंदी में तू कह सकता है, तुम कह सकता है, कोई बड़ा होगा सम्मानी होगा तो आप कह सकता है, संस्कृत में उसे त्वम कह सकता है, हिंदी में, संस्कृत में अपने आप को अहम कह सकता है। लेकिन हम तो अंग्रेजी सीख रहे हैं और अंग्रेजी में जिससे संबोधन किया जाता है, जिससे बात की जाती है, उसे कहते हैं यू। तो ऐसे ही आप भी अपने लिए क्या हैं और मैं आपके लिए क्या हूं, तो मैं अपने लिए और आप मेरे लिए। तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करेंगे तो आप स्वयं के लिए क्या होंगे, आए, और जिससे बात करेंगे वो कौन होगा। लेकिन ये दोनों लोग केवल दो की बात नहीं होगी, इसमें और लोग भी शामिल होंगे। जैसे दो लोग मिलकर किसी पुरुष की बात करें और वो एक है मतलब सिंगुलर, तो हम उसे कहते हैं ही, क्या कहते हैं, जैसे मैं आपसे आपके सन की बात करूं, ब्रदर की बात करूं, हस्बैंड की बात करूं या फादर की बात करूं, एक एक की ही बात करूं, जब ये सिंगुलर हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है तो बनेगा ही, और अगर ये प्लूरल हैं मतलब ये सबको इकट्ठा कर दूं और उनकी चर्चा अभी मैं करूं तो बन जाएंगे दे, क्या बनेगा। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे आपकी फ्रेंड की बात करूं जो महिला है, तो होगी शी, क्या होगी, मम्मी होगी, बहन होगी, स्टूडेंट होगी, टीचर होगी, कोई भी महिला जो सिंगुलर है उसके लिए हमने क्या कहा, शी। पुरुष के लिए क्या कहा, ही। ग्रुप ऑफ पीपल के लिए क्या कहा, दे, और उनमें हम भी शामिल हो गए तो बन गया वी, क्या बन गया। इनके अलावा हमको जरूरत पड़ती है थर्ड पर्सन के बारे में नहीं, किसी नॉन लिविंग थिंग की चर्चा करने के लिए, उसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं जिसे कहते हैं इट, क्या बोलते हैं। वास्तविकता में मैंने अपने अनुभव से ये जाना कि जो आईटी इट है, कुछ तो बेसिक जगह लगता है लेकिन एडवांस लेवल की जो इंग्लिश होती है उसमें इसका भरपूर यूज होता है। क्योंकि मुझे भी शुरुआत में ये समझ में नहीं आता था, मैं सोचता था ये इट कहाँ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, बट अपने आप समझ में आता गया। लेकिन उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ा और वो था प्रैक्टिस, क्या था, तो आपको भी प्रैक्टिस करना, इट इज अ, लेकिन चीजें अपने आप जुबान पर लाने में और आने में तो जैसे बताया जाएगा वैसे करते चलेंगे, करेंगे ना। थैंक यू सो मच। तो हमने ये जाना कि सेवन डूअर्स हुए, आए, यू, ही, शी, वी, दे, इट। एक बार फिर बोलेंगे, आए, शी, वी,
दे, इट, इतने ही क्या होते हैं? डूअर्स. क्या होते हैं? और यही क्या करते हैं? एक्शन. क्या करते हैं? ये यही लोग एक्शन करते हैं, यही लोग काम करते हैं. और हम क्या कह रहे हैं कि इस समय आपके साथ ऐसा कौन सा काम चल रहा है, ऐसा कौन सा काम प्रोग्रेस में है? जरा सोचकर देखो. आपने कहा सर बैठने का. अब बैठने की इंग्लिश आपको आती है, बहुत ही अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन. लेकिन कोई बिल्कुल नया नया व्यक्ति हो जिसको ये पता ही नहीं कि बैठने को सिट बोलते हैं, वो तो बैठ ही जानता है, तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, बस मेरे कहने से वो इस बैठ वर्ड में इंग लगा देगा, क्योंकि तो बैठना काम है. और ग्रामर कहती है कि जब भी जिस भी एक्शन की चर्चा की जाए और वो एक्शन प्रोग्रेस में है, चर्चा कर रहे हैं और वो चल रहा है, मतलब जो काम चल रहा है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस उस काम में, उस एक्शन शब्द में हमें इंग की ध्वनि लगा देनी है. तो जब एक्शन में इंग की ध्वनि लगेगी तो क्या बनेगा? एक्शनिंग. जब एक्शन में इंग लगेगा तो क्या बनेगा? एक्शनिंग बनेगा ना. अब वो व्यक्ति तो कह रहा है मैं बैठा हूं, मतलब उसके साथ बैठने का काम जारी है. अब बैठने को सिट बोलते हैं, वो ये बात नहीं जानता, तो कोई बात नहीं, वो बैठ में इंग लगाएगा तो क्या बनेगा? बैठिंग. अब इसमें हंसने वाले हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखिए कि ग्रामेटिकली सही सीखा जा रहा है. इसका क्या फायदा होगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तो कोई बात नहीं. इंग्लिश में नहीं भी पता तो हिंदी के शब्द में ही इंग लगा देंगे, क्योंकि इंग लगाना इट इज अ, जैसे मैरिज हो जाने के बाद सिंदूर लगाना, और भैया ना लगाएं तो लोग कहेंगे कैसी महिला है. मॉडर्न लोगों की बात नहीं कर रहा, जो मॉडर्न है, जो मैरिड है बट वो हिडन है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं. अगर हम भारतीय कल्चर और सभ्यता की बात करें, जो मॉडर्न होने के बावजूद भी कई लोग मानते हैं, तो क्या वो ऐसा करते हैं कि कभी भी सिंदूर भर लिया? नहीं, वो मैरिज के बाद लगाती हैं, जो महिलाएं हैं स्पेशली, पुरुष तो लगाते नहीं है, महिलाएं लगाती हैं मैरिज के बाद. इसका मतलब जो एक्शन वर्ड है जब वो प्रोग्रेस होगा ना तभी उसमें इंग का लगना, और अगर प्रोग्रेस नहीं है तो इंग लगाओगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाना. तो जब प्रोग्रेस होगा तभी हम इंग लगाएंगे. जैसे बैठने का काम प्रोग्रेस है, अब हमें तो बैठ वर्ड आता है तो हमने उसमें इंग लगा दिया तो बन गया बैठिंग. अभी तो हम बैठिंग की बात कर रहे हैं ना. ऐसी लिखने के लिए लिखिंग, ऐसी पढ़ने के लिए पढ़िंग, ऐसी जाने के लिए जाइंग, ऐसी आने के लिए आइंग, खाने के लिए खाइंग, नहाने के लिए नहाइंग, सोने वाले के लिए सोइंग. बड़ा मजा आएगा. सीखने के दौरान ये बिल्कुल ठीक है. ये इसलिए ठीक है क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि सारे शब्द इंग्लिश में एकदम से आ जाएं. अब ये तो सिंपल से वर्ड्स हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं समझ सकते हैं. किसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिट. जाने को क्या बोलते हैं? गो. आने को क्या कहते हैं? लिखने को, पढ़ने को, है ना. इंग नहीं लगाया किसी में, क्योंकि इन हिंदी के एक्शन वर्ड्स को इंग्लिश में ये कहा जाता है, ये बात हम जानते हैं. और यही काम अगर प्रोग्रेस में है इस समय तो हम इन्हीं एक्शन वर्ड्स में हम क्या लगा देंगे? इंग लगा देंगे, इंग की ध्वनि लगा देंगे, क्योंकि बोलते हुए इंग की ध्वनि निकलती है, आईएनजी नहीं निकलता. आईएनजी तो लिखते हुए लगाते हैं, तो हम बोलते हुए इंग लगाएंगे. तो हमने सिट में जब इंग लगाया तो क्या बना? जैसे राइट में लगाया, स्पीक में लगा लो, मेक में लगाओ, लिसन में लगाइए, ड्राइव में लगा लो. लेकिन हर कभी लगाना है क्या? जब वो काम प्रोग्रेस में हो, कार्य प्रगति पर हो. आप एमपी नगर तरफ जाएंगे तो आपको देखेगा मेट्रो का काम चल रहा है, वहां बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, कॉशन लिखा हुआ है, सावधान, कार्य प्रगति पर है.
जो कार्य प्रगति पर है उसे इंग्लिश में क्या कहा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो जरा देखो यहां भी कोई कार्य प्रगति पर है क्या, तो हमने पाया बैठने का काम प्रगति पर है, वर्क इन, सुनने का काम भी प्रगति पर है मतलब वर्क इन, बोलना थोड़ी छोड़ देना है कि अब तो कथा खत्म ही होने वाली है तो बोलना बंद, नहीं साहब, सुनने का काम भी कैसा है, वर्क